बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंट्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रैक्शन। एर्गोनॉमिक्स को हम ह्यूमन फैक्टर भी कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स के जरिए से हम कुछ ऐसे डिजाइन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हैं विच कंस्ट्रेंट्स द वे वी डिजाइन द सिस्टम, यानी सिस्टम को हमने कैसे बनाना है उसमें ये हमारी हेल्प करता है। एर्गोनॉमिक्स की आपको बहुत सी डेफिनेशंस, बहुत सी टर्म्स मिलेंगी, लेकिन सबके मीनिंग सेम हैं, सब एक ही बात को अपने अंदाज में बता रहे हैं। बाय डेफिनेशन तो हमने देख लिया एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंट्रैक्शन की। लेकिन अगर मैं ओवरव्यू आप लोगों को दूं एर्गोनॉमिक्स का सिंपल वर्ड में, तो एर्गोनॉमिक्स मीन कि एर्गोनॉमिक में हम देखते हैं कि ह्यूमन का जो सीटिंग एंगल है कंप्यूटर के आगे जिस तरह वो बैठा हुआ है वो क्या है, ठीक है। ह्यूमन और सिस्टम के दरमियान कितना डिस्टेंस है, व्यूइंग डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस से बैठ के सिस्टम को देख रहा है। फिर हाइट क्या है, मॉनिटर की हाइट क्या है, कीबोर्ड की हाइट क्या है, माउस की हाइट क्या है, आपका आर्म एंगल क्या है, इसी को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, जिसको डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया है। वहां पे ये बात भी आपने याद रखनी है, सिस्टम मीन्स सिर्फ कंप्यूटर नहीं है एर्गोनॉमिक्स में, कुछ भी हो सकता है। मेडिकल फील्ड हो सकती है, हाउस कंस्ट्रक्शन हो सकती है, पेंटिंग हाउस हो सकता है, कोई भी आपका पैशन, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसे हम सिस्टम कहते हैं। लेकिन HCI में हम जाहिर है कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिस्टम कंप्यूटर को ही कहेंगे। एर्गोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें एर्गो मीन वर्क एंड नोमोस मीन नेचुरल लॉज, और नेचुरल लॉज को यूज करके पर्टिकुलर वर्क करते हैं। जिस तरह आप देखें कि सिंपल जो मजदूर होता है वो किस तरह काम कर रहा होता है कि उसके पास कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन जो वर्कर्स जो हैं वो किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो होते तो वो भी ज़ाहिर मजदूर ही हैं, लेकिन वो उनके साथ एक कंपनी का टैग लगा होता है, तो वहाँ पे वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, उनके पास प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, जैकेट्स वगैरह उनने पहने होते हैं, सर पे मदर टॉर्च लगी होती है, बाकी जो मान उन्हें रिक्वायर्ड होता है वो सब उनके पास होता है, ठीक है। तो और अभी उनने इस तरह किया होता है कि बिल्डिंग के नीचे नेट लगाए होते हैं कि अगर कोई मजदूर वगैरह, कोई वर्कर जो है वो नीचे गिर भी जाता है तो उसी सेफ्टी के लिए नेट वगैरह लगे होते हैं, जबकि आम जो मजदूर है या आम वर्कर है उसके पास ये फैसिलिटीज नहीं होती। तो जब किसी कंपनी में आप चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पार्टिकल रूल्स वगैरह को यूज करके आपके वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो ये था एर्गोनॉमिक्स, अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स में हमें इस चीज से कंसर्न होता है कि जो कंट्रोल्स हैं किसी भी सिस्टम को यूज करने के लिए, हाउ आर दे लेआउट, इज आल्सो कॉल्ड इंट्रैक्शन। अब ये जो लेआउट है, ये फिजिकल प्लेसिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी, यहाँ पे देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज एंड सिक्वेंशियली। अब बात करते हैं इफ कंट्रोल्स आर प्लेस्ड फंक्शनली, इट मींस उसको ऐसे ग्रुप करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक जैसी फंक्शनैलिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो एक ही जगह पे पाए जाएं। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं एक ही जगह पे फिर होंगे, तो यूजर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यूजर जब गोल अचीव कर रहा होगा या वर्क कर रहा होगा अपने टास्क पे, तो उसे लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे जो है कंट्रोल के लिए मूव नहीं करना पड़ेगा, सारे कंट्रोल उसे एक ही जगह पे मिल जाएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज मीन आप कंट्रोल्स को ऐसे प्लेस कर सकते हैं कि जो कंट्रोल्स आप ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उन्हें आप इकट्ठे ग्रुप कर लेते हैं। थर्ड क्या है, सिक्वेंशियल, यहां पे देखें, ठीक है, इसमें यह होता है कि अगर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें एक सीक्वेंस है
जिसमें डिस्क्रीट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, तो आप ऐसे कंट्रोल्स को इकट्ठे प्लेस कर लेते हैं। तो अब वही बात, जब आप कंट्रोल्स को इकट्ठे प्लेस करेंगे तो इंटरेक्शन क्या होगी, इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन इंटरप्ट नहीं होगी। आपको कोई चीज चाहिए तो आप कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी उधर मूव कर रहे हैं, एक ही जगह पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी इंटरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो इंटरेक्शन क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। ओके, अब यहां पे आ जाएं कि फिजिकल सराउंडिंग एनवायरमेंट भी एर्गोनॉमिक्स में बहुत मैटर करता है, कि ये जो एनवायरमेंट है जिसके अंदर ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है और जहां पे यूजर मौजूद है, ये एनवायरमेंट कैसा है, यूजर इस एनवायरमेंट में कैसे काम कर रहा है। मीन क्या यूजर बैठा हुआ है, क्या यूजर को चलने की जरूरत है, ये फिजिकल एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो यहां पे देखें अगर आप, सो द सिटिंग अरेंजमेंट अडॉप्टेबल टू कोप विद ऑल साइज ऑफ यूजर। मीन कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोगों की हाइट ज्यादा होती है, तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या वो एडिक्वेट है। तो यहां पे आ जाएं, अब हमारे पास थर्ड आता है हेल्थ इश्यूज, फिजिकल पोजीशंस यहां पे देखें। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइटिंग, नॉइस, ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो फिजिकल पोजीशन को अभी हमने डिस्कस किया कि आपका सिस्टम ऐसी जगह पे मौजूद हो कि यूजर को वो इजीली अवेलेबल हो। अगर तो हमारा कंसर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट थिंक ऑफ अदर डिफरेंट सिनेरियोज, फॉर एग्जांपल इन इंडस्ट्रियल प्लांट, जहां पे ऑपरेटर्स को क्या करना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, चलना पड़ता है। सो इन सच सिचुएशन वी नीड इंश्योर दैट कंट्रोल्स आर इजीली अवेलेबल फॉर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट साइजेस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इसमें टेम्परेचर यहां पे देखें और ह्यूमिडिटी के फैक्टर्स आ जाते हैं। सो टेम्परेचर वो ऐसा होना चाहिए जो यूजर के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना, अनइजीनेस ना हो यूजर को, कि टेम्परेचर उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करे, ना ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा ठंडक हो। ह्यूमिडिटी आल्सो नीड टू बी कंसीडर, नॉट जस्ट फॉर द यूजर बट आल्सो फॉर द सिस्टम। कुछ सिस्टम ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि आप टेम्परेचर कम करें, ज्यादा करें, ह्यूमिडिटी को चेंज करें, सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है। लाइटिंग एंड नॉइस, लाइटिंग शुड आल्सो बी एडिक्वेट एंड नॉइस, अगर नॉइस ज्यादा होगा तो अगेन इससे इंटरेक्शन फिर इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ कलर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कलर्स को स्टडी किया था। कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं कि हमारी परसेप्शन उससे इफेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल आई की ब्लू इक्विटी ये कम है, तो अगर कंट्रोल्स या फिर इंफॉर्मेशन हम ब्लू कलर को यूज करके रिप्रेजेंटेशन उनकी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि क्लैरिटी कम होगी। फिर कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड एंड ग्रीन, के कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको रेड और ग्रीन नजर ही नहीं आता। सो अगेन के सिस्टम बनाते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना, हमें ख्याल रखना पड़ता है। सो दीज ऑल आर फैक्टर्स विच आर पार्ट ऑफ द एर्गोनॉमिक्स फॉर क्रिएटिंग सिस्टम। हम एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा, यानी वो जगह, वो डोमेन जहां पे आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट इंडस्ट्रियल सिचुएशंस एंड नॉर्मल ऑफिस सिचुएशंस। अब इन दोनों सिचुएशंस में फर्क क्या आता है और इसमें इंटरफेस पर क्या इफेक्ट आ सकता है, सो लेट्स टेक अ लुक ऑफिस इंटरफेस वर्सेस इंडस्ट्रियल इंटरफेस। ऑफिस इंटरफेस में आपको किस तरह का इंटरफेस चाहिए और ये इंडस्ट्रियल इंटरफेस से किस तरह डिफर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और कोई इंटरफेस यूज कर रहे हैं, द टाइप ऑफ डाटा यू विल नीड विल टेक्सचुअल, और इंडस्ट्रियल में न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। दूसरा इसमें फैक्टर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ऑफिस एनवायरमेंट में स्लो हो सकता है और इंडस्ट्रियल में फास्ट हो सकता है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज एनवायरमेंट फैक्टर। जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपका एनवायरमेंट क्लीन है,
जब आप इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट देखें तो मोस्टली वो डर्टी होता है, वहां पे ग्रीस, डर्ट, स्मोक, ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं, ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि एर्गोनॉमिक्स आल्सो इफेक्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क, कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट इंटरफेसेस देखते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरफेस पहले कैसे होते थे, उसके लिए डायल्स एंड नॉब्स इस्तेमाल करते थे, बट नाउडेज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की वजह से ये स्क्रीन्स और कीपैड्स में रिप्लेस हो गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ठीक है। अब ग्लास इंटरफेस देखते हैं, विच मेक अप द स्क्रीन्स। दीज आर चीपर, मोर फ्लेक्सीबल एंड यू हैव मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन। मीन ग्लास इंटरफेस जिससे आपकी स्क्रीन बनती है, इस पे आप अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को बहुत से मेथड से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एंड यू कैन डिस्प्ले प्रिसाइज वैल्यू जो पहले पॉसिबल नहीं था। अब मैनिपुलेशन जो आप करते हैं एक सिस्टम की, वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। यहाँ पे आप देखें, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? Usually if you are sitting a office and using a computer, तो आप direct manipulation के जरिए से काम कर रहे होते हैं। Suppose करें आप office में बैठे हैं और आप desktop based system को use कर रहे हैं। और in this scenario, when you interact with system, you are interact with artificial world, जिसकी एक physical reality नहीं है। इस direct manipulation, आप directly elements को change कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट इंडस्ट्रियल प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, यहाँ पे देखें आप, ठीक है, तो यहाँ आप इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन के जरिए से काम ले रहे हैं। अब इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या है? अगर आप इंडस्ट्रियल प्लांट को कंसीडर करें, वहां पे आप कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं, वहां क्या होता है कि यूजर इनडायरेक्टली प्लांट इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ फिगर में देखें, यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बाय यूजिंग सिस्टम इंटरफेस, और फिर सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है प्लांट इक्विपमेंट के साथ। यहां से फिर फीडबैक आती है। दिस फीडबैक इज शोन इन वेरियस नॉब्स एंड डायल्स ऑन द इंटरफेस। अब इसमें इश्यू क्या हो सकते हैं कि फीडबैक आपको लेट मिल रहा है, डिलेज इन फीडबैक। मीन्स सिस्टम फौरन फीडबैक दे रहा है, लेकिन आगे जो कंट्रोल कर रहा है प्लांट इक्विपमेंट को, हो सकता है वहां से फीडबैक वो डिले के बाद आए, एंड दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम फीडबैक। सो दैट वाज अबाउट एर्गोनॉमिक्स। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।